जी तो व्यूअर्स, अगर जानवरों से है प्यार तो देखते रहो मेरे यार। इस डेरे का कह लें कि आप एंट्रेंस है, ओवरव्यू आप देख सकते हैं इसका। तो आज फिर हम एक बहुत ही खूबसूरत सेटअप पे मौजूद हैं। तो आए भाई से मुलाकात करते हैं और इसका कंप्लीट एड्रेस आपको। आप ईद पे तशरीफ लाएं, हमारे घर तशरीफ लाएं, हमें कुर्बानी करेंगे। आप इसका जानवर देखें, जानवर को ज़बह होते देखें, इसका गोश्त देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका गोश्त चौगा है। ये जी इस डेरे का कह लें कि आप एंट्रेंस है, ओवरव्यू आप देख सकते हैं इसका। जैसे ये इसकी एंट्रेंस है, हम जा रहे हैं इसके अंदर और आए आपको दिखाते हैं। बाकी जिस तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे अब तो जानवर भी, ये देखें। छोटे और बड़े सारे मौजूद हैं और बाकायदा यहाँ पे ये है कि कस्टमर्स भी देखें दूर तक, मतलब जानवर बंधे हुए हैं आप देख सकते हैं। और बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वांटिटी है उनके पास। बाकी नंबर वगैरह आपको मिल जाएंगे सारे। वालेकुम व्यूअर्स, मैं फहीम आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पेट जोन PK। तो जिस तरह से आजकल आपको पता है हमने बेड़ा उठाया हुआ है कि आपको ईद की कुर्बानी के लिए जानवर दिखा रहे हैं मुख्तलिफ डेरों पे, मुख्तलिफ सेटअप पे, और आपको कहा हुआ है कि मंडियों में भी लेके जाएंगे। तो आज फिर हम एक बहुत ही खूबसूरत सेटअप पे मौजूद हैं। तो आए भाई से मुलाकात करते हैं और इसका कंप्लीट एड्रेस आपको शेयर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, आप शेयर करें ज़रा इसका एड्रेस कंप्लीट क्या है? सर ये G11 का इशारा है, थोड़ा सा श्रीनगर हाईवे पे G11 का इशारा है, मोटरवे चौक से बिल्कुल पहला आखिरी इशारा है, मोटर पे चौक से पहले पहले पहला इशारा है, बिल्कुल सही हो जी। उससे आप राइट होंगे जी, जी साथ ही चौकी है, चौकी के बिल्कुल साथ ही लेफ्ट हैंड पे सर्विस रोड कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता आगे रेड न्यूज़ है, रेड न्यूज़ के पास बिल्कुल पास ही फार्म हाउस है। इसका नाम, इसका नाम मलिक कैटल, मलिक कैटल के नाम से जी इसका नाम में आपको मिलेगा। और बिल्कुल डेड एंड पे आप आएंगे तो नीचे उतराई सी थोड़ी सी उतरती है और आपको ये फार्म हाउस मिलेगा। नाम आपका आप शेयर करें? मोहम्मद उज़ैर सादिक। मोहम्मद उज़ैर सादिक। अच्छा, इनका नंबर मैं व्यूवर्स आपसे एंड में करूंगा शेयर, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं और फिर भाग जाते हैं, इसलिए मैं एंड में आपको नंबर इनका दूंगा, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है आने वाले न्यू व्यूवर्स से कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ठीक है जी। सो करते हैं वीडियो का स्टार्ट, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है तो जानवर भी माशाल्लाह उनके पास काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा ये आप बताएं ज़रा, कितने आपके पास इस टाइम मौजूद हैं जानवर? ये सर तकरीबन 50 के करीब जानवर, 50 के करीब टोटल हैं जी, टोटल है। इसमें से दोंदे और कह लेंगे जो तैयार हैं, 32-33 जी जानवर उनके पास मौजूद हैं इस टाइम जो कि बिल्कुल तैयार हैं। बाकी खीरे भी मौजूद हैं जी, 8-10 खीरे बचे, मतलब वो भी आपसे लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक होगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं जी। व्यूअर्स शौक करें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। और फिर मैं दोबारा से कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि मेरा फेवरेट कलर आ गया, क्योंकि ब्लैक और वाइट में जो मिक्स होता है ना, ये मुझे बड़ा पसंद आता है कलर, हमेशा से मेरा यही फेवरेट रहा है। और प्योर वाइट की, प्योर ब्लैक की भी अपनी बात है, कह लें कि खूबसूरत होता है, लेकिन ये है कि इसमें ज़रा और ख़ूबसूरती आप कह लें कि लगती है, अपनी अपनी खैर चॉइस की बात है। सो आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जानवर है, देखें आप खूबसूरती, अल्लाह की कुदरत, और चाल देखें, सही फतेह जंगी देखें चाल, कितनी माशाल्लाह खूबसूरत चाल है। ये फर्स्ट जानवर है, चेक करें, और बहुत ही इसको देखें, लुक आफ्टर करना और संभालना आप कह लें कि कोई आसान काम नहीं है। हाँ जी, सो दूसरा एक और ये भी इन्होंने खोला है अभी, और देखें आप माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं ये दोनों दोंदे हैं,
और आप कह लें कि यहाँ जिस तरह से पहले भाई से भी मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने भी बताया कि हमारे पास जो कुर्बानी के लिए तैयार हैं वो तकरीबन 32-33 जानवर तैयार खड़े हैं। सो आप देखें ये दोनों भी माशाल्लाह फुल खूबसूरत और आप कह लें कि अच्छे भरे हुए जानवर हैं। कोहान देखें इनकी और बैक साइड से देखें, अच्छा मतलब गोश्त वगैरह अच्छा इनमें से आप कह लें कि निकलेगा। मैं आपको एस्टीमेट या आइडिया नहीं दे सकता, सॉरी, क्योंकि ये है कि मुझे कोई इसका इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह सेहतमंद जानवर हैं, ठीक है जी, और ख़ूबसूरती भी आप देख सकते हैं। फ़तेह जंगी की तो वैसे ही क्या बात है, आप खुद मतलब इस चीज़ को समझते हैं। ये एक और आ गया जी, ये चेक करें, ये मेरे ख्याल से शायद उन्होंने अपनी ख़ुद की कुर्बानी के लिए उन्होंने ये मुख्तस किया हुआ जानवर, और इसको वो खोल के उधर से लाए हैं। ये यहाँ का मेरे ख्याल से सबसे ऊंचा और बड़ा बैल है, आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, और चौगा है मेरे ख्याल से, ये चौगा हो गया, तो चेक करें आप, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जानवर है। कोहान देखें इसका, और फिर सर देखें आप इसका, भाई से ये जो पकड़ के इसको खड़े हुए हैं इनसे ज़्यादा हाइट है इस बड़े की, और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से। बाकी अपनी दुआओं में याद रखा करें, और इसका लिए ये कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पेशली कि आपने इतना सपोर्ट किया, और रिस्पांस जी मुझे नज़र आया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मुझे नज़र आया। वैसे भी जी जो आज के दिन मैं हूँ, जितनी भी मुझे फेम मिला वो आप लोगों की बदौलत ही है, आपकी सपोर्ट है स्पेशली मेरे साथ, और आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें कि हम मतलब जितनी भी जगहों पर जाते हैं हमें अल्लाह खैर खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सो इसी तरह से हम आपको शौक कराते हैं और आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहें और चीज़ें दिखाते रहे। सो उम्मीद करता हूँ कि ये डेरा भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आप चेक करें, काफ़ी रंगों में और काफ़ी आप कह लें कि साइज़ में आपको बड़े नज़र आएंगे और बड़े बड़े खूबसूरत कह लें कि कलर हैं, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। ये इनसाइड है इसकी, आप देखें ये भी बड़ी खूबसूरत है, वो छोटे बच्चे भी कुछ बैठे हुए हैं देखें नीचे, और ये फ़ैन वगैरह इन्होंने लगा के बड़ा अच्छा अकोमोडेट किया हुआ है। एक और का जी शौक करें, माशाल्लाह से ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी उन्होंने कुर्बानी के लिए मुख्तस किया हुआ, अपनी दो बेड़े हैं जो कि उन्होंने अपने मतलब पर्सनल कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं। सो इसको भी आप देखें, आना जाना ही जी सारे नंबर ले जाता है, क्या कहते हैं आप। सो मज़ा आ रहा होगा आपको भी बड़े देख के, जो शौकीन हैं बड़ों के। एक और चेक करें जी, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और बहुत ही जवान देखें जानवर हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो इसी तरह से हमारा चैनल ग्रो अप होता रहेगा, और आपकी सपोर्ट है कह लें कि मेरे लिए बहुत बड़ी ढाल, कि मतलब जो आपकी सपोर्ट मिलती है तो एक कह लें कि एनर्जी मिलती है स्पेशली कि हाँ यार काम को जो है और तेज़ी से करें। तो जब सपोर्ट नहीं मिलती तो कभी कभी ये है कि बंदा मायूस भी हो जाता है, लेकिन ये है कि आपकी सपोर्ट होती है साथ साथ तो अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो दुआओं में और सपोर्ट ज़रूर साथ साथ रखें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आप देख रहे होंगे जानवर भी साथ साथ, और काफ़ी माशाल्लाह बड़ा सेटअप है इनका। सो हम आपको पूरे जानवर खोल के नहीं दिखा सकते एक एक करके, क्योंकि आप कह लें कि उनके साथ साथ कस्टमर भी आ रहे हैं, और साथ में ये है कि ऑल ओवर एनिमल्स को खोलना फिर बंद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ आई होगी और आपने ज़रूर से फॉलोअप किया होगा। सो एंजॉय करें जी, साथ साथ देखें और साथ साथ मेरी बातें भी सुने। तो देखें एक और जानवर माशाल्लाह,
हाइटें हैं जी एक से बढ़ के एक है, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हाइटें फिर वेट वाइज जो एनिमल्स हैं माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हैं। तो आप फैमिली के साथ भी अपने यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। यह कि बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जानवरों को अकोमोडेट किया हुआ है, वर्कर्स रखे हुए हैं इस फार्म हाउस पे जो कि मतलब इनको 24 आवर संभालते हैं और इनको बाकायदा आप कह लें नहलाया धुलाया जाता है, इनको डाइट जो सी है वो बड़ी प्रॉपर और बड़ी कह लें कि हाइजेनिक डाइट देते हैं, मतलब नेचुरल डाइट पे उन्होंने इनको रखा हुआ जिस तरह से हमें उन्होंने बताया। और आप कह लें कि आपको जानवरों की हेल्थ नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत आप कह लें कि इनकी हेल्थ है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। ये जी एक और जानवर को खोल रहे हैं स्पेशली और देखें आप चेक करें। आहिस्ता आहिस्ता यह है कि शाम हो रही है तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द कवरेज करूं और आपको जितने हो सके जानवर दिखाऊं। हम इस फॉर्म पर दोबारा आएंगे, हमने उनसे बात की है और उन्होंने कहा कि हाँ जी ज़रूर आप आएँ, वेलकम है जी हमारी तरफ से। सो हम ज़रूर आएँगे इधर, हो सकता है कि ईद के दिनों में ये मज़ीद और कह लें कि फिलअप हो जाए, लेकिन मुझे उन्होंने बताया कि हम उतने ही जानवर यहाँ रखते हैं कि जितने की मतलब कह लें कि ईज़िली हम जिनको संभाल सकें, ओवर कैपेसिटी नहीं करते हम, उतने ही रखते हैं जितने मतलब हम लोग ऑफर करते हैं। और बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से ये कि आप उतने ही जानवर रखें, उतना ही वज़न उठाएँ जितना आपकी जो सी सकत है। सो बड़ी अच्छी और दानिशमंदा बात की है उन्होंने कि उतने ही रखते हैं जितने की हमारी सकत है और हमारे पास कैपेसिटी है, बहुत अच्छी बात है। बाकी देखें जी शौक करें माशाल्लाह इसकी, देखें रंगत देखें इसकी, इसका डील डॉल देखें, हाइट देखें, खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। और इतना एक मेरे ख्याल से तो एक ही जानवर को संभालना आप कह लें कि आम बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर प्रोफेशनल्स, ये सब लोग प्रोफेशनल हैं, स्पेशली आप कह लें वर्कर्स जो उन्होंने रखे हुए हैं बड़े तजर्बाकार और एक्सपीरियंस्ड रखे हुए हैं। दूसरे नंबरों पर ये है कि आप कह लें कि उनका भी अच्छा खासा तजर्बा है, काफ़ी देर से वो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। सो आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा देख के। जी तो व्यूवर्स अभी आपको मुलाकात करवाते हैं जो इस डेरे के आप कह लें कि ओनर हैं और उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक बिल्कुल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप मसरूफ़ से थोड़े से तो आप फिर लेट हो गए, हमने उज़ैर भाई से थोड़ा सा इंटरव्यू किया। नहीं एक्चुअली मैं फ्राइडे वाले दिन ही यहाँ पे विजिट करता हूँ जी, और मेरा जो छोटा भतीजा है मलिक उज़ैर सादिक साहब और मलिक उमैर सादिक साहब इस डेरे को रन करते हैं जी। मैं सिर्फ फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि मैं तहसील ऑफिस में होता हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं विजिट फ्राइडे को करता हूँ जी। तो सर आपके पास यहाँ पे टोटल कितने आप कह लें कि राउंड अबाउट 50 से ऊपर जानवर है जी मेरे पास यहाँ पे 50 से ऊपर। और बाकी आपने जिस तरह मैंने देखा कि आप इनको मतलब कह लें कि फुल आप कह लें कि देसी मतलब गजा दे रहे हैं, कोई फीड शीट वगैरह फीड वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं, फिर बिजनेस व्यू से ये नहीं कर रहे, ये हमारा शौक है जी। खिदमत आप कह लें कि हाँ खिदमत भी है, अपनी कुर्बानी भी यहाँ पे हमारी तैयार होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है कस्टमर की तरफ से। चलें विजिट करते हैं डेरा और साथ साथ बात करते हैं इंशाल्लाह। चलें ब्लॉग तैयार करते हैं ठीक है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम व्यू पे नहीं बता सकते। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, आप एक कुछ राज होते हैं, कुछ राज होते हैं जो डील नहीं कर सकते, लेकिन जानवरों को मुकम्मल तौर पे आप जानवरों हमारे को मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं, इनकी बनावट आप देख सकते हैं, इनकी हाइट देख सकते हैं, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह दो माह रहते हैं और इंशाल्लाह अल अजीज़ मलक कैटल फार्म के तो वैसे भी जानवर, और इंशाल्लाह अल अजीज़ दो माह बाद इंशाल्लाह अल अजीज़ इसमें मज़ीद आपको निखार नज़र आएगा। और यही वजह है कि आप देख लें कि अभी ईद में दो माह बाकी हैं और हमारे कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह मलक कैटल फार्म पे 6 जानवर हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं पिछले फ्राइडे को, और बाकी तो हम वर्किंग डेज़ में अपने ऑफिसज़ में होते हैं और फ्राइडे को हम शाम को 2 घंटे के लिए आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रिस्पांस इतना ज़्यादा अच्छा है कि नेक्स्ट टाइम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर लोग हमें रिस्पांस देंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे बताएं डेरे का विजिट डेली हो सकता है, हर टाइम हो सकता है या कोई मखसूस टाइम और मखसूस कोई मखसूस टाइम हमने नहीं रखा हुआ। देखें लोगों फैमिलीज़ के साथ भी लोग हमारे पास आते हैं, डेरा 24 आवर होता है, लेकिन जानवरों के रेस्ट को भी हमने देखना होता है। जानवरों के रेस्ट को हमने इसलिए देखना होता है कि एक बंदा रात को अगर 12-1 बजे आ जाता है उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुबह ऑफिस टाइम में
8 से 4 तक या 6 तक जब आप चाहें इसका विजिट कर सकते हैं। वैसे बेस्ट डेज जो मैंने देखे हैं वो फ्राइडे और संडे एक ऐसे डेज हैं जिसमें आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं। और ये देख लें हमारे जो मुलाजमीन हैं सारे 5-7 जो हमने इस पर रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर जी इनकी ड्यूटी करते हैं और अल्लाह का शुक्र है 24 आवर ये हमारी ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल ये हमारी ड्यूटी करते हैं जिसपे टोटल कितने सर बैज लगा। अच्छा जी, अच्छा कितने सर जानवर है यहाँ पे टोटल आपके पास? 50 के करीब हमारे पास हैं क्योंकि हम उतना काम करते हैं जितना हम संभाल सकें। और बिजनेस व्यू नहीं होता हमारा इसमें, बिजनेस व्यू इसलिए नहीं रखा हुआ इसमें कि हमारा एक से एक जानवर बढ़ गया है और हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर यही क्रिएट होता है कि जब हमारे पास कस्टमर आता है ना उसकी रेंज 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख जो भी है तो एक जानवर पर जब अब ये जानवर है दरमा ये देखें हमारा जानवर जो है इसकी बनावट को अगर आप चेक करें तो आपको मैं करीब आएँ मैं उसका विज़िट आपको कराता हूँ। अब इस जानवर को जो देख लेगा अब मुझे बताएं इसके बाद वो नेक्स्ट जानवर किस पे जाएगा, जब इससे बाद दूसरी लाइन उसकी में जाएगा इससे अच्छा बंदा होगा। फैसले में लोगों के लिए मुश्किल होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें पिछली दफ़ा हम इससे बहुत पहले फारिग हो गए थे जी, जो हमारे सेल थी सारी सेल हमने कर दी थी और इस दफ़ा भी रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। राउंड अबाउट इतना ही था, हाँ इतना ही था क्योंकि हमारे पास डेरे पे हम ना इतना काम करते हैं ना कि जितना हम इसे संभाल सकें। 50 दिन अबव होता है और उसमें ये है ना कि हमारे अपनी कुर्बानी के जानवर और जो लोगों के लिए हम रखते हैं मतलब जो सेल पॉइंट में रखते हैं कोई फ़र्क नहीं किया जाता उनमें जी। तो इस ईद का आपकी अगर हम अपनी कुर्बानी का जानवर पूछें तो इसमें से फिलहाल आपने कुछ सेलेक्ट किया है? अपनी कुर्बानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो हम वेरी फास्ट जैसे ही कर लेते हैं जी। अच्छा, क्योंकि जो अपने जानवर का थोड़ा शो करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो अपने जानवर में दो आपको शो करवा देता हूँ जी, आप चलें आप। एक ये जानवर की है जी अपने लिए, ये जो सेंटर में है जी, नहीं ये वाले दो जी। अच्छा, ये आपके वाले? हाँ जी, ये दो जानवर हैं जो घर में इंशाल्लाह अजीज एक ही है जी। जी ये पहले वेरी फास्ट जैसे हम इन्हें चूज कर लेते हैं जी। मुझे क्या है सर? हाँ जी मुझे मेरा दोंदे होंगे चौके होंगे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं होती। देखिए जानवर बनता ही दोंदे के बाद है, जानवर बनता ही दोंदे के बाद है। जब जानवर दोंदा होता है ना उस वक्त तो उस पर जवानी आती है, अब वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी हमने सेल ओपन नहीं की, सेल ओपन ना करने की वजह 6 जानवर हम अल्हम्दुलिल्लाह सेल कर चुके हैं और 6 से 10 जानवर ऐसे होंगे जो हमारे दोस्तों ने आके कह दिए ये मैंने लेना ये मैंने लिया, उनको अभी हमने सेल पॉइंट पर लगाया नहीं है। लेकिन जो प्रॉपरली सेल हुए हैं वो सिर्फ 6 हुए हैं जी हमारे। सर ये मुझे कुछ और भी यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं जानवर, कुछ मेरा ख्याल है ये बच्चियाँ हैं और कुछ ये बच्चे हैं। ये जो छोटा माल है जी हमारा जी, ये वो जो है जो घर की है जी, बर्थ इनकी इधर मलिक कैटल फार्म की है जी। अच्छा, ये होम और ये होम की है जी हमारी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हमने 2-3 साल से शुरू किया था, अब ये तकरीबन 10 से 15 बच्चे हो गए हैं जी हमारे मलिक कैटल फार्म के। ठीक है, और इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह पालेंगे जी, हमारा शौक है। हमारे घर के जो तमाम अफराद हैं ना अपने बिजनेस के अलावा जो हमारे इसके अलावा बिजनेस है उसके अलावा ये हमारा शौक है, इसमें तमाम का कंट्रीब्यूशन हमारी फैमिलीज का इसमें होता है जी। और इसे हम ये देखें इनको खुला छोड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये खाएं ये आप जब अगली दफ़ा इंशाल्लाह विजिट करने के लिए आएंगे तो ये आपसे इंशाल्लाह अल अजीज इनका कद आपसे बड़ा होगा। तो सेटअप सर यही आपका है या इनके लिए कोई और मतलब आपने जगह? फिलहाल हमारा सेटअप मलिक कैटल फार्म का सिर्फ इतना ही है जी, और इंशाल्लाह अल अजीज के हम बड़ी ईद के बाद इसी फार्मिंग में एक नया प्रोजेक्ट भी है जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, लेकिन प्लेस पे आके हम रुक जाते हैं जी। और अच्छा प्लेस मिलने पर इंशाल्लाह अजीज मलिक कैटल फार्म में मजीद आपको बेहतरी नज़र आएगी और एक नए सेटअप के साथ हम इंशाल्लाह उभरेंगे जी इंशाल्लाह अजीज। सर आखिरी सवाल करूंगा, जो बड़ी मंडी लगती है इस्लामाबाद की, ठीक है, उसमें कोई आपका वीआईपी टेंट आपका भी लगता है मलिक कैटल फार्म का? वो सिर्फ इसलिए लगाना पड़ता है, हमारे पास जानवर तो होते नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाना ज़रूरी इसलिए होता है कि बड़े बड़े फार्म वाले पाकिस्तान से आए होते हैं, वो पूछते हैं मलिक कैटल फार्म वाले कहाँ हैं, वहाँ बैठना जाना हमारी मजबूरी है जी, जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है जिस तरह पिछली दफ़ा हमने 3 गाड़ियाँ बड़ी हमने उतारी वहाँ पे जानवरों की, तो उतरते साथ ही लोगों ने वो सेल हमारी होगी। और आखिरी 3 दिन तो हमें वहाँ पे हमारे पास कोई जानवर नहीं था और हमारे में वो सिस्टम नहीं है कि हम वहाँ से ख़रीद के और अपना नाम लगा के उस जानवर को सेल करें, ऐसे हो नहीं सकता। अब तो मीडिया का दौर है जी, आपके पास जानवर आप आता है और तो इसकी पैदाइश से लेके बड़ा होने तक लोगों को तो पता भी होता है ये जानवर कहाँ पर पैदा हुआ है जी, कहाँ बड़ा हुआ है, तो हम अपना नाम इस तरह अपना ख़राब नहीं करते जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी कोशिश यही होती है कि अपने कैटल फार्म का ही जानवर लोगों तक पहुँचाएँ और जो जिन लोगों ने इन जानवरों को ज़बह किया अल्हम्दुलिल्लाह
और खाली जानवर खरीदना पर्पज़ नहीं है, एक खूबसूरती इसमें मेन देखी जाती है, दूसरा इसका गोश्त। देखें आप अगर इसको फीड देंगे, गलत चीज़ देंगे तो ये गोश्त ही करेगा। आप ईद पे तशरीफ़ लाएँ, हमारे घर तशरीफ़ लाएँ, हमें कुर्बानी करेंगे। आप इसका जानवर देखें, जानवर को ज़बह होते देखें, इसका गोश्त देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका गोश्त भी इंशाल्लाह लजीज गोश्त होगा जी। सर आप अपना नंबर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर देंगे, कोई अपडेट इनको उन्होंने लेनी हो। हाँ नंबर मेरा आप लिख ले, 0333-523-1848 है जी। हाँ इस पर व्हाट्सएप भी है मेरा, 0333-523-1848। लेकिन इसको जो रन करते हैं, मैं सिर्फ फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे विजिट करता हूँ, मेरे इस पे जो रन करते हैं हमारे दो बच्चे हैं जी छोटे, उज़ैर और उमैर, उनका नंबर बता सकते ठीक है? उज़ैर और उमैर का नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ अभी, वो आपको दे देंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो वो बच्चे 0318-579-9954 इस पर व्हाट्सएप भी है, क्योंकि उज़ैर सादिक साहब भी और उमैर दोनों ठीक है, इस नंबर पर आप उन पर तमाम मालूमात ले सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर तमाम डिटेल्स आपको बच्चा प्रोवाइड कर देगा विज़िट करने के लिए। अगर आप खुद आना चाहें, फैमिलीज़ को लाना चाहें, बच्चों को लाना चाहें, फ्राइडे और संडे को आप आ सकते हैं। बाकी दिनों में अगर आपकी मसरूफियत नहीं है तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, विज़िट करें और इंजॉय करें यहाँ पे आके इंशाल्लाह अज़ीज़। और हमारे लिए भी दुआ गो रहिएगा मलिक एटर फार्म के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसमें तरक्की करे, तो इंशाल्लाह अज़ीज़। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम के लिए इस अहम इवेंट्स पर और इस तरह ही खिदमत करते रहें जी, हमारे ये दुआ है। इस हमारे दुआओं में याद रखिएगा जी मलिक एटर फार्म को, तो हम इस तरह ही खिदमत करते रहें जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया जी। जी तो व्यूअर्स, ये इस डेरे का पूरे सेटअप का आप कह लें कि नाइट ओवरव्यू है, और आप देखें लाइटिंग का भी बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया गया है, और लाइट भी देखें हर जानवर के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने सेटअप को आप कह लें सेट किया हुआ है। बाकी उनके साथ साथ कस्टमर भी आपको पता है कि आ रहे हैं और साथ साथ देख रहे हैं, और जिनको जो पसंद आ रहा है वो अगर रेट फाइनलाइज हो जाता है तो वो लेके भी जा रहे हैं। बाकी माशाल्लाह आप देख सकते हैं, अल्लाह की कुदरत, हर रंग और हर साइज़ में यहाँ पे जानवर अवेलेबल हैं। और आप देखें उन्होंने अकोमोडेटिव से बेसिकली बहुत अच्छा किया है। मेरी हमेशा आप लोगों से यही आप कह लें कि एक होती है रिक्वेस्ट कि आप कोई भी एनिमल या पेट का या बर्ड का शौक़ करें उसको अकोमोडेट अच्छे तरीके से करें, सही हो गया जी। सो मेरी इस एडवाइस को उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सो आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।